हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और मैं हूं विशाल और स्वागत करता हूं आपका विशाल एचआरडी यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं डीपीएस विंग स्केल है और इसकी आज हम सेटिंग्स के बारे में देखने वाले हैं कि कैसे कैसे स्केल एक कांटे की तरह जो कि सेटिंग हम कर सकते हैं। और मैं बता देना चाहूँगा आपको, इसकी कैपेसिटी है वो है 30 kg और 20 kg और आपका 15 kg। तो अगर आप 10 kg, 15 kg, 20 kg या 30 kg के इलेक्ट्रॉनिक स्केल का सेटिंग करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख के पूरी तरीके से सीख जाएंगे कि मतलब कि आपको सेटिंग करना कैसे है। तो उससे पहले, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि भविष्य में आप हमारे से जुड़े रहें और जो हम वीडियो डालें इन्फॉर्मेटिव वो आपको समय समय पर मिलती रहे। वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को भी हिट कर दीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्केल की सेटिंग करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहूँगा कि अगर आप स्केल की सेटिंग करना चाहते हैं तो कृपया आपसे निवेदन है, कोई भी इल्लीगल यूज़ मत कीजिएगा, जैसे कि वेट बढ़ाना, कम ज़्यादा करना या फिर अपने ग्राहक को गलत वेट पहुँचाना। यह एक अपराध है जिसके लिए आपको सज़ा भी हो सकती है या फिर आपको नुकसान भारी मात्रा में हो सकता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको एनजी वाला बटन दबाना है। एनजी का हो सकता है आपके स्केल में शिफ्ट का बटन हो सकता है या फिर लेफ़्ट एरो आपका हो सकता है। तो आपको इसको प्रेस करना है और कांटे को स्विच ऑन करना है। यहाँ पर एंटर लिखा आएगा। मैं आपको बता दूं, अगर आपका आपके स्केल में ये सेटिंग इस तरीके से ओपन नहीं होता तो आप दूसरा तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मेरे स्केल में ये एनजी वाले से और प्रेस ऑन करने से इसकी सेटिंग्स खुल जा रही है। अगर आपके में इस तरीके से नहीं खुलती तो आप बारी बारी से चारों बटन को प्रेस करके स्केल को ऑन करिएगा। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए, अगर इस बटन से नहीं हो रही, फिर मैं इस बटन को दबा कर रखूँगा और फिर ऑन करूँगा, तब जाके सेटिंग्स ऑन हो जाती है। सब स्केल में अलग अलग होता है, तो आप देख लीजिए आपके कांटे में किस तरीके से सेटिंग्स खुलती है। तो चलिए, यहाँ पर लिखा रहा है एंटर करने के लिए आपको टेर या जीरो का इस्तेमाल करना है। जब आप टेर या जीरो दबाएंगे तो आप अगले स्टेप पर पहुंच जाएंगे। यहाँ आ रहा है NF1। आप अपने जो स्केल है उसकी सेटिंग मिलाते चलना। NF आपको 1 करना है, फिर टेर दबाना है, टेर जीरो, डिस 1 आएगा, इसको आपको 1 ही रहने देना है। SPD को आपको 0 रहने देना है, टेर करना है और नेक्स्ट स्टेप पे चलना है। ALC को आपको 1 रहने देना है और फिर एंटर करना है। AO0 को 2 रहने देना है आपको। DU00 रहने देना है, DU00, और CAP1 को छोड़ देना है। अब आपको एंटर करते जाना है। आपको बीच में कुछ नहीं छोड़ना है। CAP2 आएगा, जब तक CAP3 नहीं आएगा तब तक आपको एंटर करते रहना है। सिर्फ आपको जो इन्फॉर्मेशन डालनी है, जो आपको मतलब कि यूज़ होगा, वो सिर्फ आपका CAP3 का होगा। ये CAP3 आ चुका है। अब यहाँ से आपकी मेन सेटिंग होगी सारी, देख लेते हैं। CAP3 एंटर करना है आपको। यहाँ पर लिखा है 30,000, मतलब कि इसका मतलब ये होता है 30,000 ग्राम, मतलब कि 30 किलो का कांटा है और इसकी कैपेसिटी है 30 kg। अगर आपका है 10 किलो या फिर 20 किलो या फिर 15 किलो, अगर आपका 10 किलो है, मान लीजिए आपका 10 किलो है, तो आपको यहाँ पर 10,000 लिखना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, 10,000 लिख के दिखा देता हूँ। सबसे पहले लिखना है 1 और फिर शिफ्ट के बटन से इसको शिफ्ट कर देना। यह अब हमारा करेगा सिर्फ 10 किलो में काम। ये 10 किलो से ऊपर कोई वेट नहीं बताएगा अब। और अगर आपका 20 किलो है तो आपको
अप एरो दबाना है और आपको इसे शिफ्ट कर देना है। ये 20 किलो से ऊपर कोई वजन नहीं बताएगा, पर जो इसका एक्चुअल है, मतलब कि जो उसका बाय डिफ़ॉल्ट है, मैं 30,000 है, मैं इसको 30,000 ही कर देता हूँ, यानी कि 30 किलो वजन ही बताएगा, उससे ऊपर ये वजन नहीं बताएगा। पर अभी 20,000 पर सेट है, यानी कि 20 किलो ही वजन बताएगा, इससे ऊपर नहीं बताएगा। तो चलिए हम इसको 30 किलो में सेट कर देते हैं। 30 किलो में करने के लिए आपको 30,000 लिखना है, यहाँ पर एंटर करना है 30,000, और उसके बाद आपको एंटर करके आगे चलना है। अब आएगा आपका DP34। DP34 का मतलब ये होता है, जो आपकी स्केल पर, मतलब जैसे कि ये 30 केजी का है, तो जो आपको डिजिट दिखाई देती है जब आप इस पर कोई वेट नहीं रखते, तो आपको 00 चार बार दिखाई देता है। तो यहाँ से है इसका DP34, मतलब कि आप तीसरे फंक्शन में हो, भी आप कैप 3 में हो, तो आपको FD3, DP3 ये सब 3 में ही दिखाई देगा, पर जो आपको यहाँ मेन देखना है 4, तो मतलब कि आपको इसमें 4 डिजिट दिखाई देंगी अभी। और अगर आप इसको 5 कर देते हैं, अब इसमें 5 डिजिट आएंगी, और आपकी अब इसमें कोई डिजिट नहीं आएगी, जब आप वेट रखोगे तभी आपका मतलब कि शो करेगा। अगर 0 कर देते हो उसको, अगर 1 पे कर देते हो, तो आपकी सिर्फ 1 डिजिट आएगी, और 1 डिजिट आएगी, और जैसे वेट रखोगे तो आपकी सारी डिजिट आएंगी जाएंगी जितना भी आप वेट रखेंगे। पर क्योंकि बिकॉज़ 30 किलो में 4 जीरो होती हैं, जैसे कि अभी पॉइंट से पहले एक डिजिट आपकी खाली रहती है, और पॉइंट के बाद आपकी 3 डिजिट आती हैं, तो उस तरीके से आपकी 4 डिजिट हो जाती है। मैं इसको DP4 ही कर देता हूँ और एंटर करता हूँ। नेक्स्ट उस पर चलते हैं, स्टेप पर। FD आपका 2 आएगा। FD 3 2 का मतलब है आपका, जैसे आपका जो लिस्ट काउंट होता है, कभी कभी आपने देखा होगा, जैसे कोई स्केल होता है वो चलता है 2, 4, 6 किलो, वो कभी आपको ऐसे नहीं बताएगा 2 किलो, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम, 6 ग्राम, ऐसे नहीं बताएगा, आपको बताएगा 2 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम। तो जो ये चलेगा 2 का, उसमें ही चलेगा ये 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे करके चलेगा। और अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो, मतलब कि आप अपना लिस्ट काउंट या एक्यूरेसी सही करना, कम या ज़्यादा करना चाहते हो, वो आप FD3 से कर सकते हैं। जैसे कि अभी 2 ग्राम इसकी एक्यूरेसी है, अगर मैं इसको 5 कर देता हूँ, तो अभी 5 में चलेगा, यानी कि 5 ग्राम बताएगा, फिर 10 ग्राम, 15 ग्राम, बीच में नहीं बताएगा कुछ भी, 3 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम का एक्यूरेसी नहीं बताएगा, सीधा 5 ग्राम की एक्यूरेसी से बताएगा ये। और अगर आप इसको 0 कर देते हैं, तो मतलब कि फिर एक्चुअल, मतलब कि 0 तो आप करने मत, मतलब कि इसका सही यूज़ नहीं हो पाएगा फिर आपका। और अगर आप इसमें 1 कर देते हैं, तो आपकी एक्यूरेसी 1 पे हो जाएगी, और बहुत से स्केल में सपोर्ट नहीं करेगा अगर आप 1 में कर देते हो, जिससे कि होगा क्या, आपको मतलब कि आपका स्केल जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, और आपका मतलब कि फ्लक्चुएट बहुत ज़्यादा करेगा। जैसे कि आपने इसको कहीं रख रखा है और वहाँ हवा का प्रेशर है, या फिर हवा ऊपर से फ़ैन लगा हुआ है, या फिर वाइब्रेट कर रहा है, तो मतलब कि एकदम कंटिन्यूस, मतलब कि वो नहीं रहता, स्थिर नहीं रहेगा ये। और मगर आप अगर किसी ऐसी जगह पे इसको यूज़ करना चाहते हो, जहाँ आपको लगता है, मतलब कि जो आपकी टेबल है, जहाँ आपने इसको रख रखा है, अगर वो वाइब्रेट ना हो और आसपास से इसके कोई फ़ैन ना हो, तो आप इसको 1 पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 पे कर सकते हैं, फिर आपकी एक्यूरेसी 1 में चलेगी, 1, 2, 3 ग्राम, मतलब कि 1 भी ग्राम ऊपर नीचे नहीं होगा, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ यहाँ से होएगा। और अगर 2 पे कर देते हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट वैसे जो 10 किलो से लेके 30 किलो तक कांटे आते हैं, उसमें अधिकतर आपको 2 ग्राम की एक्यूरेसी मिलेगी। अगर उससे ऊपर आप जाते हो 50 किलो, तो वहाँ पर आपको 5 ग्राम की एक्यूरेसी देखने को मिल सकती है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। FD3 2 करके रखना है, अगर आपको 3 kg का है। अगर आप एक्यूरेसी कम ज़्यादा करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। FD3 2, FD3 5 करेंगे तो 5 ग्राम की एक्यूरेसी आएगी, FD3 1 करेंगे तो 1 ग्राम की एक्यूरेसी आएगी। FD3 2 के बाद यहाँ से आपका कंटा रिस्टार्ट हो जाएगा और ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। तो मैं करता हूँ उसको एंटर, और अब ये स्टार्ट हो जाएगा, एंड ये देखिए। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मैंने बताया था इसमें कि 4 डिजिट आती हैं जब आप DP3 को 4 पर रखते हैं, तो आपकी अभी 4 डिजिट आ रही है, आपने 4 पर इसको रख रखा है, 1, 2, 3, 4 डिजिट आ रही है। अगर आप DP3 को 2 करते हैं, तो सिर्फ आपकी ये 2 डिजिट आएंगी। अगर DP3 को आप 1 करते हैं, सिर्फ आपकी सिंगल डिजिट आएगी। पर ऐसा नहीं है कि आप अगर उसको 1 करते हैं, 2 करते हैं, तो फिर आपकी आगे की डिजिट नहीं आएगी।
वो भी आएंगी, पर जो अभी एट प्रजेंट यहाँ पर 00 आ रहा है वो सिर्फ दो ही आएंगी, जैसे कि अभी 1 हो चुकी है। और जैसे ही आप जब इस पर वेट रखेंगे तो ये 5 भी हो जाएंगी जब ये 10 किलो से ऊपर जाएगा, ये देखिए। तो ऐसी कोई मैटर नहीं है। और जो मैं आपको बता रहा था एक्यूरेसी जो था आपका FD3-2 जहाँ रहा था, जो DP3-4 था, DP3-4 में ये 4 डिजिट थी, और जो FD3-2 है तो यहाँ पे अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए 2 ग्राम में चलेगा, 4, 6, 8, 10, 12, ये 2 ग्राम में चलेगा। बीच का आप देख सकते हैं 25 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा बिल्कुल भी एक्यूरेसी में। और अगर आप इसको 1 कर देते हैं तो फिर आपका चलेगा 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके चलेगा इसमें काउंट, मतलब ये इसका होता है लिस्ट काउंट। तो अगर आप, होप करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी आपकी क्वेरी है कृपया मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उस रिलेटेड भी कोई वीडियो लाऊँ आपके लिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और अनदर वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।